कैसा है तूफान का टीजर, आखिर कौन दिखेगा इस फिल्म में फरहान का कोच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जैल। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म तूफान का टीजर जारी कर दिया गया है और इसी के साथ इस फिल्म की रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। ये बहुप्रतीक्षित फिल्म 21 मई 2021 को रिलीज की जाएगी। हालांकि इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने की बजाय सीधे OTT पर प्रीमियर किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त आप जानते हैं क्या सिचुएशन चल रही है और 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में प्रीमियर किया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर इन दिनों अपनी नई फिल्म तूफान की तैयारियों में जुट चुके हैं। एक्टर एक बार फिर से खिलाड़ी की भूमिका निभाने जा रहे हैं। इस फिल्म में फरहान का रोल बेहद खास होगा। वो डोंगरी के एक ऐसे गुंडे का रोल निभाएंगे जो एक राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज बनने का सफर तय करता है। ये कहानी प्रेरक होगी और जुनून जज्बे से भरी होगी। कुछ समय पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया था, जिसमें फरहान रिंग के अंदर नजर आ रहे थे। फिल्म तूफान में फरहान अख्तर के कोच की भूमिका निभाई है परेश रावल ने। एक वेबसाइट की रिपोर्ट की माने तो ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म तूफान में परेश रावल बॉक्सिंग कोच की भूमिका में है। फिल्म में मृणाल ठाकुर, सुप्रिया पाठक कपूर और हुसैन दलाल भी नजर आएंगे। प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी फरहान और राकेश की इस फिक्शन स्टोरी स्क्रिप्ट को अंजुम राजा बली ने लिखा है। आपको बता दें, फरहान अख्तर एक बार फिर से भाग मिल्खा भाग के बाद ये धमाकेदार किरदार करने वाले हैं। तूफान का टीजर जो है वो 1 मिनट 53 सेकंड का है। शुरुआत होती है बॉक्सिंग रिंग से और फिर जिसमें फरहान अपनी फाइट में हार जाते हैं। फिल्म के टीजर को फरहान अख्तर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। फिल्म के टीजर को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। ये टीजर देखने के बाद ज़्यादातर लोग फरहान की तारीफ ही कर रहे हैं। फरहान अख्तर की फिल्म साल 2020 में 2 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब देर आई दुरुस्त आई, फाइनली टीजर रिलीज़ हुआ है। धमाकेदार एक्शन सीन्स और फाइट दिख रही है, जो कि काफ़ी पसंद आ रही है दर्शकों को। तूफान निर्देशक ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आपको बहुत सारे कलाकार के साथ एक दमदार स्टोरी देखने को मिलेगी। वहीं कोरोना वायरस महामारी के कहर के कारण बीते कई महीनों से फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है। कार्तिक आर्यन की धमाका, तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी भी आने वाली जो फिल्म कर रहे हैं वो नेटफ्लिक्स पर ही प्रीमियर होगी। अब इस लिस्ट में फरहान अख्तर का नाम भी जुड़ चुका है। तो आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का, हमें नीचे क्वेश्चन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।